आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट में मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारे मजदूर और श्रमिक परेशान हैं। वो अपनी विपदा किससे कहने जाएं, अपनी दिक्कतें अपनी तकलीफें किससे कहने जाएं। अगर ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा मिल रही हैं मजदूरों को, तो उनका ऐसी सुविधाओं का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो बेचारे अगर जाने वाले हैं आगरा या बरेली, तो उनको लखनऊ या गोरखपुर में भेज दिया जा रहा है। ऐसे में बेचारे वो कहाँ जाकर के रुकें, उनका ठिकाना कहीं नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। आप लोगों को पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ, 690 रुपए दिए मैंने, एसी का भाड़ा टिकट का दिया है। मेरी प्रॉपर्टी 20 किलोमीटर पड़ती थी वहाँ से भी बोले कानपुर उतरेगी 100 किलोमीटर, वहाँ भी नहीं उतारा, यहाँ लखनऊ भी मना कर रहे हैं। उतारने नहीं दिया, फोर्स लगी, प्रशासन इतना लगा है, नहीं उतरने दिया। उतरना था, गोरखपुर ले जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे? सबने कहा था हमारे को एसटी में टिकट दी, तो हमको टिकट गोरखपुर का दे दिया। अब रास्ते में पानी भी नहीं मिला पीने के लिए, कहीं पानी भी नहीं पीने दिया हमको। भी बोलते हैं क्या, खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आगे एक बोगी में दे दिया, अब पीछे दे दिया, बीच में हमारे लिए नहीं है। तमाम स्टेशन खाली हैं, लेकिन श्रमिक स्पेशल चल रही है। ये अहमदाबाद से ये ट्रेन आ रही है और आगे की तरफ जाएगी, कोई कह रहा है गोरखपुर जाएगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग स्टेशनों पर भी उतरना है। श्रमिक स्पेशल दिन में 2 से 3 बार लखनऊ पहुंचती है, और यात्री अलग अलग जो दूसरे प्रदेशों में हैं वहां से यहां पहुंच रहे हैं। आप लोग कहां से आ रहे हैं? मैं नड़िया अहमदाबाद से आ रहा हूं। अहमदाबाद से गुजरात। अहमदाबाद से? हाँ। इधर जाएंगे मानोगढ़, अगर जाऊंगा मानोगढ़। अच्छा। जालौन और एक पास। ये बताइए कि आप लोगों को कैसे लाया गया? वहाँ एक पानी का बोतल दे दिया है, और उसमें थोड़ा 250 ग्राम जैसा नमकीन होगा, और 4 लड्डू थे, एक पानी का बोतल था, और कुछ नहीं मिला कुछ सब। और पैसे मिले थे 50 रुपए। आप लोगों को पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ, 690 रुपए दिए मैंने, एसी का भाड़ा टिकट का दिया है, और अभी तक पहुँचे भी नहीं है। टिकट दिखाऊं क्या? ये बताइए, ये ट्रेन जो चली है इसमें आप लोगों को सुविधाएं मिल रही है या टिकट का पैसा कौन दे रहा है? सुविधा कोई नहीं दे रहा है, 690 रुपए लिए थे वहाँ नड़ियाद में, तब बस में बैठाया था, टिकट दिया था, और एक पानी की बोतल स्टेशन पे मिली थी, और थोड़ा नाश्ता मिला था बस। उसके बाद अब भी ये पानी की बोतल आई, थोड़ा बहुत नाश्ता आया बस। सर यहाँ उतर सकते हैं? वहाँ पे बोला था उन लोगों ने कि सब तुमको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, स्टेशन पे कोई उतरने नहीं देता है। हमको और ही उतरना था, तो मैंने बोला उन लोगों को, हमने कही मेरे को यहीं उतार दे, मेरे को अपने घर जाएंगे हम। पहले वहाँ उन लोगों ने बोला तुमको जहाँ उतरना है वहीं उतर जाने का, अपने अपने घर जाने का, इसके लिए हम आए, नहीं हम वहाँ पे ना रहते, आप कोई सुविधा नहीं है इसमें। पहले बोल दिया कि मतलब पानी दूंगा, तो मतलब बोले तुम लोग नहीं उतरो, तो मैं तो ये आप लोगों को क्या जहाँ उतरना है वहाँ नहीं उतर पा रहे? नहीं उतर पा रहा हूँ। तो स्टेशन छूट गई, उराई भी छूट गई, जो मेरी प्रॉपर्टी उराई 20 किलोमीटर पड़ती थी वहाँ से भी बोले कानपुर उतरेगी 100 किलोमीटर, वहाँ भी नहीं उतारा, यहाँ लखनऊ भी मना कर रहे हैं। तो आप लोगों को कहाँ लेकर चले जाएंगे? वो बोले गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर। पापा सब रो रहे हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमको हो रही जाना है जालौन। उन्होंने बोला वहाँ पे अहमदाबाद में बोला उन्होंने कि तुम है ना यहाँ पे अपना जाइए, जहाँ है ना एड्रेस लिखाया वहीं पे तुरंत आपको पहुँचाएंगे हम लोग। तो हमने कही चलो कि हाँ कि ठीक है, तो यहाँ आएगा, तो मैंने बोला नहीं तो ये।